प्रोडक्टिव रमजान. अच्छा, द मोमेंट रमजान आ रहा है मतलब हम लोग एकदम एक्साइटेड रहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह ताला रमजान तक पहुंचा दीजिए, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, सब चल रहा है. बट व्हाट हैपेंस इज जब रमजान आता है 5th-6th डे से, उसके बाद जब आप देखने लगते हैं तभी लोग ऐसा 10th डे के बाद से ऐसा दिखता है कि पता नहीं रमजान ही जो ना खत्म हो रहा है क्या. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज अ वेरी की पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूँ, यू कैन नोट इट डाउन, वो ये कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, इन बैलेंस इज गुड एंड प्रोडक्टिव. जहां पे जो ना एक्सेस होता है, जहां पर जो ना मॉडरेशन खत्म होके जो ना एक्सेस में आप चले जाते हैं, जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसके अंदर बहा नहीं रहती, वहां पर जो ना कंटिन्यूटी नहीं रहती, उसकी जो ना कंटिन्यूटी खत्म हो जाती. तो अगर लंबा सस्टेन आपको करना है सो इट हैज टू बी इन अ मॉडरेट वे, इट हैज टू बी इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, बिकॉज बैलेंस इज ब्यूटिफुल, बैलेंस सस्टेन इटसेल्फ. हदीस का मफहूम है, अल्लाह रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला को वो अमल बहुत ज्यादा पसंद है जो भले ही थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से हो, जिसके अंदर कॉन्स्टेंसी हो, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, वो अमल अल्लाह ताला को जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो मेक इट अ पॉइंट कि जो आप स्टार्टिंग रमजान में जो शुरू कर रहे हैं कि एंड रमजान तक जो ना आप उसको करने जा रहे हैं. सो वी गेट हियर, सबसे पहली चीज प्रोडक्टिव मुस्लिम के हिसाब से हमको काम करना है. द पॉइंट नंबर टू इज मॉडरेशन हो. पॉइंट नंबर थ्री इज ओवरडू नहीं करना है उसको, कि इतना ज्यादा कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तीन तीन पारे पढ़ ले रहे हैं आप जो ना, तरावी फुल पढ़े हैं और उसको रात में जाके जो है तहज्जुद चल रही है, दुआएं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दो चार दिन के बाद एकदम जो ना हवा निकल गई टायर में, वैसा नहीं होना चाहिए. It has to be really, really balanced. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए.